हाय जय। हाय। कल जो तुमने किया वो वाकई काबिले तारीफ है। तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सच सच बताना। तुम यहाँ आखिर किस लिए आए हो? मैं इस गांव और इसकी खूबसूरती को देखने आया हूँ। तो ठीक है, मैं खूबसूरती दिखाती हूँ, तैयार हो जाओ अच्छे नजारों के लिए। अब बताओ मुझे, ये नजारा कैसा है? वाह, क्या खूबसूरत जगह है। कितना बढ़िया होता अगर तुम समझ सकते कि मैं किस नजारे की बात कर रही हूँ। यहाँ देखो कितना हरा भरा है ना। हाँ, बहुत अच्छा है। कितने हरे भरे खेत है ना। खेत? हाँ हाँ हाँ, वो भी है, काफी हरे हैं। अगर तुम्हारी आंखों को ठंडक चाहिए तो ये देखकर ठंडक पहुंचा सकते हो। इस नदी के पानी से आंखों को बहुत ठंडक मिलती है। हाँ, गुड। अब इस जगह को देखो, कितनी खुली खुली है ना। बस अब इस बंजर जमीन को थोड़े पानी की जरूरत है। अरे तभी तो ये सारे खेत हरे भरे होंगे ना। अच्छा, इसके लिए तो हल चलाना पड़ेगा। आज काफी सैर कर ली, बाकी का गांव किसी और दिन देखते हैं। ठीक है। जी मालिक। गाड़ी में बैठो। अब जो भी दाखिले होंगे सिर्फ डोनेशन की बुनियाद पर होंगे। जी सर। आप यहां? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे हुक्म करते मैं आ गया होता। यह हमारी बच्ची है, इससे कहा था कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी। पूरे जिले में अव्वल आई है। इसकी ख्वाहिश है कि यह तुम्हारी कॉलेज में पढ़े, ताकि अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर सके और तुम्हारे कॉलेज का नाम रोशन करे। जनाब, एक भी सीट खाली नहीं है, सिर्फ डोनेशन सीट ही बची है। डोनेशन? वो मैं कतई नहीं दूंगा। अरे, इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? सुनो, किसी भी तरह इसका दाखिला होना चाहिए। आई बात समझ में? देखिए, अगर मैं ऐसे सीट्स बांटता रहा तो कॉलेज कैसे चलेगा? तालीम को धंधा बना रखा है। शराब की दुकान खोल लो, मोटी रकम कमाओगे। कल से ये यहाँ पढ़ने के लिए आएगी। इसे देखकर दूसरे गरीब बच्चों की भी पढ़ने की ख्वाहिश होगी। बार बार ये समझाने में यहाँ नहीं आऊंगा। बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ो और इसकी तरह बनो। शुक्रिया मालिक। मानसा के लिए एक लड़का देखा है, लड़का अच्छे खानदान का है, कल वो लोग देखने आएंगे। मुझे अभी ये शादी नहीं करनी, इतनी भी क्या जल्दी है? शादी करना तो हर लड़की का ख्वाब होता है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आप तो कुछ बोल दीजिए ना, आप मुझसे प्यार करती है या नहीं करती? मुझे इस शादी के बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा? इस बात से मैं भी अनजान थी, ये सब तुम्हारे चाचा का फैसला है। जय,
तुम्हें पता है जय, चाचा ने मेरे लिए रिश्ता देखा है। पता है। तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का सिर्फ तुम्हें देखने आ रहा है, शादी करने नहीं। जो हो रहा है होने दो, बाद में देखते हैं। मेरे रहते घबराओ मत, टेक इट इजी। आइए आइए बैठिए। मेरे बड़े भाई साहब, तुम्हारे होने वाले ससुर। मैं गणपत राव, इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं, कल रात ही 6 लोगों को टपकाया है। अरे प्रताप, कहाँ जा रहे हो? प्रताप नहीं दद्दू, प्रताप, दफ्तर जा रहा हूँ। आज घर में मेहमान आए हुए हैं, इनसे मिलो। ये गणपत राव जी हैं, मानसा को देखने आए हैं। नमस्कार जी। दोस्तों के साथ आए, मम्मी पापा को साथ नहीं लाए? शादी अपुन को करनी है, अपुन के मम्मी पापा को नहीं। ओ, इसे बहुत गर्मी है। इतना वक्त नहीं अपुन के पास, लड़की को जल्दी बुलाओ, दुश्मन को भनक हो गई तो लफड़ा हो जाएगा। दिखने में ठीक ठाक है, नाम बता। मानसा। नाम भी चल जाएगा, अपुन गणपत राव। अब चल जल्दी से कॉफी पिला। दे दो इसे कॉफी। बहुत खूब, इसका गुरूर अपुन के जैसा ही है। कितनी पढ़ी लिखी है, दस्तखत कर लेती है? फॉरेन से एमएस किया है। मतलब दसवीं भी नहीं पढ़ी क्या? आप लोग कहाँ पाए जाते हो? शांति नगर से। वहाँ रिश्ते के लिए लड़की उपलब्ध नहीं? नहीं। ओह भाई, कहाँ तक पढ़े हैं? एकदम अंगूठा छाप है। फिर भी उनको 10वीं पास लड़की चाहिए? तुझे कोई तकलीफ है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, शादी के बाद होगी। अब उनको लड़की जच गई है, तस्वीर कुरियर कर देना, अम्मा को दिखाऊंगा। अम्मा देख के अचार डालेगी, शादी तो इसे करनी है। चलता हूँ जी। देहाती गंवार कहीं का, क्या ऐसे नमूनों के लिए मुझे पढ़ाया लिखाया? मम्मी मम्मी, आखिर आप चुप क्यों है, कुछ बोलती क्यों नहीं है? तेरी जो पढ़ने की ख्वाहिश थी उसे मैंने ही पूरा किया है, लेकिन इस घर की औरतों को कोई फैसला लेने का हक नहीं है। लड़का कितना बेहतरीन था ना, लंबा चौड़ा और मूंछों वाला। पसंद है तो खुद ही कर लो ना। इस उम्र में ये दुल्हन बनती अच्छी नहीं लगेंगी। ये लीजिए। हेलो 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 हेलो, लड़का पसंद आया? इसे तो पसंद ही नहीं आया। वैसे तुम्हें कैसा लगा? बहुत छगास है, बस नाम में दम नहीं है। नाम में क्या है? गणपत राव, ये भी कोई नाम है? नरसिम्हा राव या बाजी राव होता तो अच्छा होता। लड़का बड़ी गाड़ी में घूमता है, सफेद पोशाक पहनता है, काला चश्मा पहनता है, ओके नो प्रॉब्लम, चला लेंगे। लेकिन उसके साथ में जो आदमी आए थे उन्हें देखा आपने? उससे पता चलता है कि उसके काफी दुश्मन है। फिलहाल तो वो कुंवारा है तो उसी की जान को खतरा है, कल उसकी शादी हो जाएगी तो इसकी जान को भी खतरा हो जाएगा। मान लो किसी दिन दुश्मन ने मौका देख के हमला कर दिया तो क्या होगा? मर जाएगा वो। अरे वो मर भी गया तो परवाह नहीं, एक हफ्ते के लिए मातम मनाएंगे, उसके बाद फिर से काम पे लग जाएंगे। लेकिन अगर वो कहीं अपाहिज हो गया और एक जिंदा लाश बनकर रह गया तो क्या? आपके एक गलत फैसले से आपकी प्यारी शहजादी की जिंदगी बस जहन्नुम बन के रह जाएगी। और कोई प्रॉब्लम नहीं है उस लड़के में, वो लड़का एकदम शानदार है, नो प्रॉब्लम। शुभ मुहूर्त अगले महीने की 17 तारीख को है, पंडित जी ने बताया बहुत अच्छा दिन है। मानसा के इस रिश्ते से मुझे ऐतराज है। मानसा पढ़ी लिखी है, उस लड़के के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। लड़का कम पढ़ा लिखा हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं मानसा की जान जोखिम में नहीं डाल सकती, हरगिज नहीं। तुम मानसा की माँ हो, अगर इस रिश्ते से तुम नाखुश हो तो कोई बात नहीं, हम इससे बेहतर लड़का ढूंढेंगे। तेरा उसका चक्कर है क्या?
तुझे उसने पप्पी क्यों दी? एक राज की बात बताऊं? हाँ, मैं उसे इटली से जानता हूँ। इसी वजह से यहाँ पे आया? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। यानी उसके भाई को बकरा बना के तुमने अपना उल्लू सीधा किया इस घर में घुसने के लिए? क्या दिमाग है चाचा आपका। खानदानी दिमाग वाले हैं, लेकिन तुम भी कम नहीं। जो रास्ते में आ रहे उसे लपेट रहे हो। इस बेचारे जिंदा लाश को भी नहीं छोड़ा तुमने। भाई वाह, बड़े शातिर हो मियां। याद रहे, सबको लपेटे में ले लेना, लेकिन इस रईस को छोड़ देना। पहला शिकार आप ही थे। क्या नामाकुल गई का मुंह पे कह रहा है? सुनामी के लपेटे में वो सबको ले रहा है। बाद में मेरा कॉलर मत पकड़ना। आई लव यू टू। टायर पंक्चर हो गया भाई। ए, जल्दी से कोई मैकेनिक लेके आ। नमस्कार भैया। आगे तक छोड़ दे। आइए। देवा के आदमी आ रहे हैं, चल तेज भगा। चल भगा भगा। आज तू नहीं बचेगा। हर बार तकदीर तेरा साथ नहीं देगी।